और देखो मैं इसलिए आया भैया, मैं भी तो ड्राइवर हूँ, गाड़ी नहीं चलाता मैं, मेरे घर भी तो कार है, तो मैं भी ड्राइवर हूँ, तो मैं अपने भाइयों के साथ में शामिल होना है उस लड़ाई में। अभी यहाँ बात हो रही है कि आश्वासन दिया सरकार ने, कहे का आश्वासन है सरकार का? मोदी जी तो इस दुनिया में झूठे नंबर वन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए कि मोदी जी इस धरती पर सबसे झूठे एक प्रशासक है, प्रधानमंत्री है। उनकी बात का क्या भरोसा है भाई, या गृहमंत्री की बात का क्या भरोसा है? हाँ दोस्तों, हिट एंड रन कानून के खिलाफ सभी ड्राइवर भाइयों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। 3 दिन से आंदोलन है, जिसके कारण सभी पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं पहुंच रहे हैं और सब्जी का भाव भी आसमान छूने लगे हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट के वकील बोले, मोदी या अमित शाह पे क्या भरोसा करना, ये दोनों एक नंबर के झूठे इंसान है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज करना चाहिए झूठे के नाम। तो चलिए दोस्तों, इस वकील के पूरी बात सुनते हैं और क्या क्या बोले। मैं अभी इन मंच से कहा, भाई मेरे ईवीएम की लड़ाई में 6 जनवरी को यहाँ आओ, हमारे साथ कंधे से कंधा कदम से कदम मिला के चलो। इस देश की अदालतें बेकार हो चुकी हैं, कुछ न्याय मिल रहा अदालतों से बताओ किसी को? ओके, बात ये नहीं है, जो कानून इस देश की 2/3 से ज्यादा आबादी की गर्दन दबोचने के लिए बनाया गया है और यहाँ पुलिस राज स्थापित करने की जो कोशिश की गई है, उस कानून को वापस होना ही पड़ेगा। और सरकार आश्वासन भी इसलिए दे रही है क्योंकि देश के बहुत बड़े हिस्से में चक्का जाम है। हमारे ड्राइवर भाइयों ने जिस तरह से चक्का जाम किया, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। 2 दिन में इस तरीके की चीजें आ गई, सरकार ने बात भी कर ली, सहमति भी बन गई, 2 दिन से सिर्फ हड़ताल हुई, अगर आगे चलती रही तो क्या तस्वीरें होंगी? देखिए, जो बात करने की बात है वो भी ड्राइवरों ने बात नहीं की है, जो कुछ लोग हैं जो इस देश में बिकाऊ लोगों की कमी नहीं है, वो कोई एसोसिएशन है या कोई है, उन लोगों के माध्यम से जो सरकार से बात हुई है, बात इनसे होनी है। इफेक्टेड ये लोग हैं, पहले इनसे बात करो आके, तब जाके अगर इनसे कोई बात होती है तब जाके सरकार कहे कि बात हो रही है। और बात में क्या आश्वासन क्या देना है? अभी यहाँ बात हो रही है कि भाई आश्वासन दिया सरकार ने, काहे का आश्वासन है सरकार का? मोदी जी तो इस दुनिया में झूठे नंबर वन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए कि मोदी जी इस धरती पर सबसे झूठे एक प्रशासक हैं, प्रधानमंत्री हैं। उनकी बात का क्या भरोसा है भाई, या गृहमंत्री की बात का क्या भरोसा है? आप तो मौखिक आश्वासन की कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो लिखित में दे दें तो भी, यू टर्न लगा दें तो क्या दिक्कत है? आपने देखा नहीं CNRC के आंदोलन में, पहले उन्होंने कहा कि CNRC लागू होगा और उसके बाद में अमित शाह भी नाट गए। अमित शाह ने तो संसद में कहा, अमित शाह भी मुकर गए, और यहाँ दिल्ली में जो रामलीला मैदान में रैली थी उसमें मोदी जी ने कहा बात हुई CNRC की। सो वो यू टर्न लेने में नंबर वन है, झूठ बोलने में नंबर वन है। कभी बहुत सीधा सा है, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, साथी हैं, इनकी डिमांड बहुत सीधी सी होनी चाहिए, हमें सरकार से कोई बात नहीं करनी, हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कृषि कानून वापस लिए, इसी तरह से इस कानून को वापस लेने की घोषणा करें बाकायदा, और संसद में बिल लाके इनको वापस करें, बात खत्म। काय की बात करनी है, हमें बात करने की जरूरत ही नहीं।